आपने हाल ही में सुना होगा कि सलमान खान का एक फिल्म आया है जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। इसी के तर्ज पर रेलवे ने एक टैगलाइन दिया है कि किसी का टिकट किसी का सफर, मतलब कि अब किसी के नाम के टिकट पर कोई व्यक्ति सफर कर सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा टर्म कंडीशन ये आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा रेलवे ने बहुत बड़ा अपडेट दिया है, कई अपडेट दिया है जिसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। आप रेलवे से यात्रा करने वाले हैं या यात्रा करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बस आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उस टॉपिक को भी वीडियो बनाऊंगा। सीधा आते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि रेलवे लगभग 6 महीना पहले एक अपडेट किया था बहुत बड़ा, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है, अधिकतर लोगों को ये चीज मालूम नहीं है। बात यह है कि पहले क्या था कि कोई व्यक्ति टिकट लेता था, चाहे वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले टिकट लेता था, लेकिन उसे यात्रा अगर नहीं करना हो तो टिकट वो कैंसिल करा लेता था जाकर। लेकिन उसी के घर में, उसी के रिश्तेदार में, उसी का कोई जानने वाला अगर यात्रा करने वाला है तो उसे फिर से टिकट लेना पड़ता था, वो टिकट को ट्रांसफ़र नहीं करा सकता था। लेकिन लगभग 6 महीना पहले ही रेलवे ने यह घोषणा कर दिया कि आप टिकट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप किसी के नाम से। जैसे आपके नाम से टिकट है और आप यात्रा नहीं करने वाले, किसी कारण से आपका यात्रा रद्द हो गया हुआ है, तो आप उस टिकट को किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वही सीट नंबर जो कन्फर्म है, वही सीट नंबर, वही बोगी नंबर, सारा चीज़ वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। तो ये सुविधा आ चुका है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है। जिन्हें मालूम है अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उसको और टर्म कंडीशन में समझा रहा हूँ। जिन्हें मालूम है वो भी समझ लीजिए, इसमें बहुत बड़ा टर्म कंडीशन है जो बहुत कम लोगों को मालूम है। अब देखिए, ट्रांसफ़र तो पता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ना भी होगा तो ये तो जानेंगे कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन पहले इस चीज़ को समझिए कि कौन सा टिकट ट्रांसफ़र होगा। तो इस चीज़ को समझिए कि जो टिकट कन्फर्म होगा आपका, चाहे वो थर्ड एसी का हो, सेकेंड एसी का हो, फर्स्ट एसी का हो, चाहे स्लीपर का हो, कोई भी हो, कौन सा टिकट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के नाम से, जो टिकट कन्फर्म हो, सीट कन्फर्म हो। अगर वो वेटिंग है, वेटिंग लिस्ट है, तो फिर उस टिकट को आप किसी के नाम से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, लोगों के मन में यह भी आता होगा कि किसी के नाम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो रेलवे ने ऐसा कोई भी सुविधा नहीं किया है, ऐसा कोई भी घोषणा नहीं किया है। आप अपने टिकट को अपने रिलेशन में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप अपने भाई या बहन के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने माता या पिता के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने बेटा या बेटी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप अपने पति या पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बस इन्हीं लोगों के बीच ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, आपका पति है, पत्नी है, चाहे आपका भाई है, बहन है, चाहे आपका माता है, पिता है, इन्हीं लोगों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं किसी दोस्त के नाम पर टिकट ट्रांसफ़र कर दूँ, वो जाने वाला है, मैं यात्रा नहीं करूँगा, अभी मुझे नहीं जाना है, लेकिन उसी डेट को मेरा दोस्त जाएगा, या फिर कोई आपके दुकान पे काम करने वाला हो, आपके कंपनी का स्टाफ हो, आपके ऑफिस का कोई स्टाफ हो, या फिर अन्य व्यक्ति हो, आप उसके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं टिकट। इस चीज़ को जान लीजिए, यह बहुत कम लोगों को मालूम है। अब आगे ये भी बता देता हूँ कि ये तो चीज़ समझ गए आप, अब ट्रांसफ़र होगा कैसे, ये प्रोसेस भी बहुत कम लोगों को मालूम है। तो ये करना क्या है कि आपको जब टिकट ट्रांसफ़र करना है किसी के नाम से, इन लोगों जो आप मैंने बताया आपके रिश्तेदार के नाम से टिकट अगर ट्रांसफ़र करना है, आप नहीं जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि टिकट काउंटर पर जाना है आपको। ये नहीं कि ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन कोई प्रक्रिया है, ऐसा कोई भी प्रक्रिया अभी नहीं बनाया गया, आपको टिकट के काउंटर पर ही जाना होगा। टिकट काउंटर पर जाएंगे और वहाँ पर आप और जो व्यक्ति जिसके नाम से ट्रांसफ़र करना है, दोनों का आधार का फोटो कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, या फिर पहचान पत्र का फोटो कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, जैसे वोटर आई कार्ड हो गया, अन्य भी कोई भी आईडी होना चाहिए उसके पास, तो उसका दोनों का फोटो कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। और वहाँ जाकर टिकट के साथ आप जब वहाँ पर देंगे तो वहाँ उस नाम से ट्रांसफ़र वो कर देंगे, वहाँ पे मिला लेंगे, देख लेंगे कि आपके रिलेशन में है कि नहीं, उसके बाद ट्रांसफ़र और टिकट उसके नाम से कर देंगे। ये प्रक्रिया है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वेटिंग टिकट ट्रांसफ़र नहीं होगा, कंफर्म होगा, वेटिंग नहीं होगा। देखिए, वेटिंग दो तरह का टिकट होता है। एक तो वेटिंग टिकट आप 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले निकालते हैं, अगर वेटिंग लिस्ट है, कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो आपको वेटिंग लिस्ट मिल जाता है, चाहे 10 वेटिंग लिस्ट हो, 20 वेटिंग लिस्ट हो, 25 वेटिंग लिस्ट हो, वो कन्फर्म हो भी सकता है ट्रेन खुलने से पहले, जब चार्ट बनता है तो हो सकता है कन्फर्म हो भी सकता है, या फिर RAC हो सकता है, तो वो वेटिंग लिस्ट अलग होता है।
तो वो ट्रांसफर आप किसी के नाम से नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो जाए। तो वो टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले कंफर्म नहीं होता है, वो कंफर्म होता है चार्ट बनता है उस टाइम, उससे पहले थोड़ा आपको मैसेज आ जाता है, तो उसको ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, जो कंफर्म है उसको ट्रांसफर कर। दूसरा वेटिंग कौन सा होता है, तत्काल में वेटिंग होता है, आप तत्काल टिकट जो निकालते हैं उसमें भी वेटिंग होता है, तत्काल वेटिंग मिलता है। तो क्यों वेटिंग मिलता है, उसमें भी 10 वेटिंग 20 वेटिंग 50 वेटिंग लोग निकाल लेते हैं तत्काल एक दिन पहले। तो वो अगर कन्फर्म हो जाता है कल होके तो ठीक है, लेकिन अगर कन्फर्म नहीं होता है तो उस वेटिंग पर आप यात्रा भी नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर तो दूर की बात है, आप यात्रा भी नहीं कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और आपके अकाउंट पर पैसा आ जाता है। वो इस चीज़ को समझिए कि आमतौर पर दो तरह का वेटिंग टिकट होता है, तत्काल वेटिंग टिकट और एक जो पहले लेते हैं जिसे जनरल वेटिंग टिकट कहते हैं वो होता है। तो ये दोनों ही टिकट ट्रांसफर नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कब तक ट्रांसफर करा सकते हैं, मतलब कितने दिन पहले, कितने घंटे पहले। तो आपको जानकारी के लिए बता दो कि ट्रेन खुलने से 24 घंटा पहले आप ट्रांसफर करा सकते हैं, ये नियम है, क्योंकि 24 घंटा के बाद आप जाएंगे। अब 24 घंटा पहले का मतलब ये नहीं है कि टिकट आप 2 महीना पहले लिए, 1 महीना पहले लिए, तो 24 घंटा पहले ही जाना है आपको। आप मतलब 24 घंटा से पहले कभी भी करा सकते हैं, चाहे वो 1 महीना पहले हो, 15 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, 2 महीना पहले हो, कभी भी करा सकते हैं। लास्ट ट्रेन खुलने से 24 घंटा पहले तक आप करा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल घंटी भी जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह से जानकारी वाला वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।